कॉन्ग्रेचुलेशन अवार्ड भी दिखा दीजिए पहला इंटरनेशनल आइकन अच्छा ओके सो वी हैव गॉट दिस अवार्ड मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर एंड मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस एंड आई थिंक वेल डिजर्वड अच्छा आपने आप ही कितना एक्साइटमेंट होता है जिस तरह से अवार्ड मिलता है प्यार मिलता है दर्शकों से काफी प्यार मिलता है अवार्ड मिलना आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए जो हम काम करते हैं जो हमारा पैशन है एक्टिंग उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते तालियां मैटर करते हैं तो ये अवार्ड एक तरह की अप्लॉज है एक तारीफ है एक हमारे काम की सराहना है तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है व्हाट डू यू थिंक या बट पैसे भी मैटर करते हैं और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दिस वर्ल्ड हां लेकिन ऑफ कोर्स तालियां क्योंकि हम तो अगर चूज करना पड़े तो तालियां या पैसे व्हाट वुड यू चूज दोनों चाहिए मुझे नहीं अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे मेरे लिए तालियां ठीक है इसके लिए तालियां बजाओ ठीक है चलेगा मुझे तो हाँ तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो तुम जो मेहनत कर रहे हो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है तो आई थिंक ये अवार्ड शोज ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं अदरवाइज ऑफकोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे की अच्छा कितना प्यार कर रहे हैं लेकिन ऑफकोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक थोड़े बायस हो जाते हैं मुझे लगता है ये जो अवार्ड्स होते हैं इनकी ज्यूरी अनबायस होती है हां सो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड्स मिलते हैं या डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत मायने रखता है आपका नया सॉन्ग आया था वो भी काफी लोगों को पसंद आया है आपने जयपुर में शूट किया है राजस्थान में आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का लव मिल रहा है आपके फ्रेंड्स या निशांत सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट निशांत ने तो बहुत तारीफें की थी वीडियो देखते ही बोले तुम कितनी प्यारी लग रही हो एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूजिक वीडियो किया था तो मुझे था कि अनु पता नहीं कैसा जाएगा लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बट येस आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं देखो कई लोगों की कोशिशें जारी हैं जब सही वक्त आएगा जरूर बातें चल रही हैं खूब सारी हाँ भी देखते हैं आप लोग दुआ करिए सर थोड़े बिजी रहते हैं ना सर डेट नहीं दे रहे मैंने तो बोला है कि ठीक है कर लेते हैं मैं तो बोल रहा हूँ जब चलना चलो डेट पे मानती नहीं मतलब आप डेट करना चाहिए सर देखो इतना अच्छा लड़का है कोई भी डेट करना चाहेगा हां मैम आप बताइए आपका जवाब दीजिए इसे चाहूंगी मतलब अच्छा लड़का है मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिले तुम खुश होगी ना मेरे जैसा लेकिन अभी पता नहीं ना सिंगल है मिंगल है पता चले कहीं चल रहा हूं सिंगल एंड रेडी टू मिंगल कोई विश्वास ही नहीं करता अभी बोल रही है नोबडी ट्रस्ट्स मी सेट पे ना मैं बता रही हूं 12 घंटे वो ईयरफोन्स लगा के लग रहा था तो घुस 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 डेढ़ साल पुरानी बात है हां जितने भी साल डेढ़ साल तो रेडी है तो बेटा हम तो नहीं आप बड़े चालू हैं लेकिन हो गया ना भाई विजय